पेटीएम की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को नियमों का पालन न करने के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए उसके न्यू डिपॉजिट एक्सेप्टेंस और क्रेडिट सर्विसेज पर रोक लगा दी थी। बताया गया है ये फैसला 29 फरवरी 2024 को लागू हो जाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने कस्टमर्स को पेटीएम वॉलेट या इस बैंक अकाउंट में पैसे जमा न करने का सुझाव दिया है। हालांकि फिलहाल इस अकाउंट से अपने पैसे निकाल सकते हैं उपभोक्ता। ऐसे में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 फरवरी 2024 की समय सीमा के बाद आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक बैंकिंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इस सब का असर पेटीएम के शेयर प्राइस में देखने को मिल रही है। भारी गिरावट बीते एक हफ्ते में 35.94% की गिरावट के साथ 487.20 रुपए के भाव पर कर रहा है ट्रेड। लगातार 2 सेशन से पेटीएम के शेयर में लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, जिसके बाद बीएससी ने इस स्टॉक के लिए सर्किट लिमिट को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। आपको बता दूं, पेटीएम के स्टॉक में इस भारी गिरावट के बावजूद खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस, और मॉर्गन स्टेनली ने हाल ही में पेटीएम के करीब 50 लाख शेयर्स खरीदे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो।